नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के दिए निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर हो सख्ती। गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पार्टी के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को लोकार्पण होने वाले नवनिर्मित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया निरीक्षण। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करेंगे प्रतिभाग। नवागत जिलाधिकारी कृष्णा कुरुणेश ने कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक करवाया जाएगा लागू। जनता की समस्याओं का शत प्रतिशत एवं गुणवत्ता परक करवाया जाएगा निस्तारण। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले कबूतरबाज गैंग के चार अभियुक्तों को खोरावार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कार, दो लैपटॉप एडाप्टर के साथ 88 भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट, चार मोबाइल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आजम खान के करीबी रहे सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आजम खान मुसलमानों के हमदर्द नहीं, उनके आंसुओं के हैं सौदागर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाकर बनवाएं अपने लोगों को एमएलसी, उनका सपा से नहीं है कोई वास्ता। अंतर प्रदेशीय जहर खुरान व एटीएम का धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 60 ग्राम स्मैक व विभिन्न बैंकों के 30 एटीएम किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। महिला कल्याण विभाग मंडल द्वारा जागरूक मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, महिलाओं व बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों में कमी लाने के प्रति किया गया जागरूक। गुरुवार को विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी में लोगों की लगी रही भीड़। झोलबाजी को रोकने के लिए चारों तरफ लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। सीएमओ ने कहा, किसी चिकित्सक और कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि विकलांगता के प्रतिशत को घटाए या बढ़ा सके, ना पड़े किसी भी दलाल के चक्कर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते 5 जून के जन्मदिवस के अवसर पर जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन एवं गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नौकायन स्थित जेटी पर दीप कोलाज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 7,000 दीपों से मुख्यमंत्री के मुस्कुराते हुए चित्र को बनाकर दी गई जन्मदिन की बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास बोध फिल्म क्लब के तहत विभिन्न विषय पर कई फिल्में दिखाकर छात्रों को किया गया जागरूक। कहा, फिल्म के माध्यम से छात्र अपने इतिहास को कर सकते हैं समृद्ध। और गुरु गोरखनाथ घाट पर धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा महोत्सव। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, माँ गंगा के प्रकट्य दिवस के दिन को मनाया जाता है गंगा दशहरा महोत्सव। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरती जाए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मस्जिदों के सामने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण मेला की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लाभार्थियों को बुलाने की भी व्यवस्था की गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि रामगढ़ ताल तरकुलानी रेगुलेटर नाला की ड्रेजिंग का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने देवरिया बाईपास पर जीडीए द्वारा बनवाए जाने वाले नाले के विषय में भी जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि नाले का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री
ने आयुष विश्वविद्यालय एवं सैनिक स्कूल के प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समय से पूरा किया जाए और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से निर्माण कार्य की निगरानी करते रहें। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने चौराहों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, चौराहों को चौड़ा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह का दौरा शुरू हुआ है, मंडल के सभी जिलों के मंत्रियों का निरीक्षण कराया जाए और उन्हें सारी प्रगति से अवगत कराया जाए। मंत्री जिलों में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों एवं सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। बैठक के दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर बनाई गई कार्य योजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी कृष्णा करुनेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, जीडी उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रानीडीहा खोराबार में आयोजित होने वाले गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का जायजा लिया। यह मेला शुक्रवार को सुबह 11 बजे से भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय भवन के सामने आयोजित होगा। इसके पूर्व भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व सीएम योगी करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उद्घाटित होने वाले भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के उद्घाटन को लेकर हुई तैयारियों के साथ ही उन्होंने यहां कार्यालय भवन के सामने मैदान में लगने वाले गरीब कल्याण मेला को लेकर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल एवं शानदार 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान एवं सभी पात्रों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना पीएम मोदी की प्राथमिकता रही है, इसलिए यहां आयोजित होने वाले मेले में किसी भी लाभार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को आयोजित होने वाले गरीब कल्याण मेला में गोरखपुर समेत आसपास के जिलों से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री व विधायक प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह, श्रवण निषाद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीत सिंह आसू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, नवीन अच्युतानंद शाही, देवी श्रीवास्तव, रणविजय शाही, जितेंद्र बहादुर चंद, राधे श्याम रावत, अजय श्रीवास्तव, मनोज राम त्रिपाठी, संजय सिंह, अनिल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण भौतिक होगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी की मौजूदगी में बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर समेत कुल 7 कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, एक देवता पुजारी, एक चलते रहो, ठीक है।
बाकी लोग बाहर ही रुकिए प्लीज। पंकज कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, जगत प्रकाश नड्डा जी का कल कार्यालय का उद्घाटन है और आदरणीय मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल, ऐतिहासिक कार्यकाल, क्या गरीब कल्याण सभा होना है। ये दोनों कार्यक्रमों में से एक मैसेज आएगा। कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, हमेशा हम लोग कहते हैं कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, इसके आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। कार्यालय में जब कार्यकर्ता आते हैं तो संस्कार लेकर जाते हैं, अनुशासन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण कार्यकर्ता को बल मिलता है और काम करता है अपनी विचारधारा की। तो कार्यालय का भव्य उद्घाटन होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने वाले हैं और राज्य के अंदर लगभग 69 कार्यालय कल कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं नहीं, बाकी सभी का हो चुका है, कल 8 कार्यालयों का होगा और हर कार्यालय स्थल पर 8 केंद्रों पर कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सुनील जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे हर स्थानों पर कार्यक्रम तय। कल्याण मेला भी आयोजित करा, इसको लेकर क्या? आदरणीय मोदी जी का ऐतिहासिक 8 वर्ष, उनके 8 वर्ष के कार्यकाल में लोगों की एक सोच बदली, विचार, लोगों का सोचने का
एक अलग प्रकार का राज्य के अंदर देश के अंदर माहौल हुआ है। और आज वैश्विक महामारी में भी लोगों ने आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े रहे, जिस कारण पूरी दुनिया की दुनिया के अंदर देश का जय जयकार है, आदरणीय मोदी जी का सम्मान बढ़ा है। और एक गरीब खुशहाली कैसे होती है, गरीब का विकास कैसे होता है, वह संपूर्ण योजनाएं गांव गरीब किसान के खुशहाल के लिए आदरणीय मोदी जी। और पहली बार लोगों का राज्य देश के अंदर सोच बदला। अब मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं, क्षेत्रवाद की बात नहीं करते हैं, व्यक्तिवाद की बात नहीं करते हैं, वंशवाद के, अब लोगों सब लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और गरीब के कल्याण की बात करते हैं। ये माहौल बदला है देश के अंदर, एक ईमानदार नेतृत्व देश के अंदर और एक ईमानदार नेतृत्व राज्य के अंदर, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है और देश का विकास हो रहा है। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम रानीडीहा स्थित भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया तथा गरीब कल्याण मेला के मंच का भी बारीकी से जायजा लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को जनता दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्मित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। नवागत जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन पांडे ने प्रभार ग्रहण कराया। वहीं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी कृष्णा करुणेश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वह गाजियाबाद में एसडीएम एवं मुख्य विकास अधिकारी व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर तैनात रहे। मुख्यमंत्री ने कृष्णा करुणेश पर भरोसा जताते हुए अपने गृह जनपद का जिलाधिकारी नियुक्त किया, जिससे कि तेज तर्रार अधिकारी कृष्णा करुणेश जनपद का चौमुखी विकास कराने में अपना अहम योगदान दे सके, जिससे जनपद का चौमुखी विकास हो सकेगा। कृष्णा करुणेश तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं। अपने कार्यों की बदौलत गाजियाबाद में ही तीन पदों पर रहकर सरकार की मंशा के अनुरूप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीडीओ, वीसी गाजियाबाद के पदों पर कार्य करते रहे। कृष्णा करुणेश 2013 में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुशीनगर व जिलाधिकारी हापुड़ व बलरामपुर में कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब अपने उत्कृष्ट अनुभव को साझा करते हुए गोरखपुर को विकास के पद पर ले जाने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जनता दर्शन, IGRS पोर्टल, जमीनी विवाद व पारिवारिक विवाद के मामलों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। किसी भी फरियादी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर भेजकर मामले को निस्तारण करवाया जाएगा, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय संगत न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा, हर पीड़ित के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता, सीआरओ सुशील कुमार गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम कैंपियरगंज पंकज दीक्षित, एसडीएम गोलार रोहित मौर्य, एसडीएम बासगांव दिग्विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा, अरे ऐसे साहब भी आप ही के बैठ जी जी तारीख का
वेरीफाई हो गया है ना? हाँ, ये पांडे विनय पांडे सीएम फर्स्ट, मैंने वेरीफाई सब मिला है। इसको साइन नहीं होगा? हाँ सर, वो हो गया है, मैं दे रहा हूँ। नहीं आप वाला नहीं, हमारा वाला है। इसमें सर बहुत सारे टिकट ऐसे हैं जिनकी बिक्री ऑलमोस्ट जीरो है। क्या कर रही है? ये हटा प्लीज। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको समय से कंप्लीट करें, अगर कोई बाधा है तो उसको हम लोग मतलब उचित कार्रवाई है करते हुए उसका समाधान निकालें। बाकी जनता दर्शन है, जन सुनवाई है, जो स्कीम्स है वो पब्लिक तक पहुँचे और जो पब्लिक के ग्रीवांसेस है उसको हम लोग समय से रिड्रेस करें, यही हमारी प्रायोरिटी है। डेफिनेटली जो हर चीज़ का एक बॉटल नेक होता है उसको हम लोग चेक करेंगे, जो भी इश्यूज होगा उस पर बात करने से रिजॉल्व होगा एंड डेफिनेटली उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। मतलब निस्तारण एटलीस्ट दो जो मेरी अपनी भी है जो एक्सपीरियंस है, एक तो डिस्पोजल हो और क्वालिटी डिस्पोजल एटलीस्ट। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्कीम्स में मनी नहीं है, तो एटलीस्ट लाभार्थी या जो भी कंप्लेनेंट है उसको जानकारी होनी चाहिए कि उनको अगर किसी तरह का एप्लीकेशन या क्वेरीज है तो वो कब फुलफिल होगा। तो इस एंगल से वील वर्क इट आउट कि लोग मैक्सिमम लोग उससे संतुष्ट हो सकते। विल वर्क आउट मतलब जैसे जैसे शिकायतें आएंगी वैसे वैसे उसका निस्तारण करने का तरीका भी ढूंढा जाएगा जिसमें मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। खोराबार पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले कबूतरबाज गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर
गोवरहिया चौराहे के पास से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी राजगढ़ थाना गगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय रविंद्रनाथ यादव निवासी कुनवार राजा थाना गोला जनपद गोरखपुर, तीसरा कमलेश यादव पुत्र तपेश्वर यादव निवासी मितानपुर खुर्द थाना गगहा जनपद गोरखपुर, चौथा निकेतन त्रिपाठी पुत्र वेद प्रकाश त्रिपाठी निवासी छपरा थाना गगहा जनपद गोरखपुर, हाल पता मालवीय नगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक कार, दो लैपटॉप एडाप्टर के साथ 88 पासपोर्ट भारतीय गणराज्य के, चार मोबाइल सिम कार्ड के साथ 9 सिम कार्ड पेम्पलेट, एक कूटरचित आधार कार्ड की छायाप्रति, एक अदद कंपनी के मुहर, 3 आधार कार्ड व 2 अदद पैन कार्ड बरामद किया। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग बॉम्बे की एक कंपनी के माध्यम से फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजने के नाम पर पैसा ले लेते हैं, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग भाग जाते हैं। अभियुक्तों द्वारा मिलकर अपने दोस्त कमलेश यादव के आधार कार्ड को कंप्यूटर के माध्यम से एडिट करके उसे कर्मेश यादव बना दिया, ताकि फर्जी पहचान दिखाकर रूम मिल जाए, और जब लोगों से विदेश भेजने के नाम पर रुपए एकत्र हो जाते हैं तो या लोग एकत्र रुपए लेकर भाग जाते हैं, और पता गलत होने की वजह से कोई इन लोगों को पकड़ नहीं पाता था। एसपी सिटी ने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद, अशोक सरोज, अनिल कुमार गुप्ता, कांस्टेबल कृष्ण कुमार दुबे, अभय सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, वीजा इसमें नहीं है, यहाँ वीजा लगेगा, अभी लगता मेडिकल होता फिर जाता फिर वीजा लगता जनपद गोरखपुर में खोराबार पुलिस द्वारा एक विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के चार सदस्य हैं, जिसमें कमलेश यादव, चंदन यादव, निकेतन त्रिपाठी एवं एक अन्य सोनू यादव इस गैंग के सदस्य हैं। इन लोगों ने कुछ दिन पहले कैंट कुसमी बाजार में इन्होंने मकान किराए पर लिया, वो भी एक फ्रॉड तरीके से। कमलेश यादव का नाम कर्मेश यादव करके इन लोगों ने मकान किराए पर लिया एवं गाड़ी बदल बदल कर ये लोग आते थे। इसलिए मुखबिर खास की सूचना पर बाद में जब रेकी की गई तब पता चला कि ये लोग इस तरह का काम करते हैं। इन लोगों ने विदेश की भेजने के नाम पर 70,000 रुपये पर व्यक्ति से 70,000 रुपये लेते थे एवं मेडिकल करवाने के लिए 3,500 रुपये लेते थे। 2 महीना पहले इन्होंने अपना ये सेटअप शुरू किया खोराबार थाना के अंतर्गत एवं 40 लोगों का अभी तक ये मेडिकल करा चुके थे, लेकिन समय रहते ही खोराबार थाना की तत्परता से सिर्फ मेडिकल करवाए गए लोगों को ही ये सिर्फ लोग लूट सके। 3,500 रुपये हर व्यक्ति से इन्होंने लिए हैं और विदेश भेजने की नाम की ठगी होने से पहले इन लोगों को बचा लिया गया है। इन लोगों के पास से 88 भारतीय गणराज्य के पासपोर्ट, 9 सिम, 2 लैपटॉप एवं एक अदद 4-व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है। इसका मास्टरमाइंड मुंबई में बैठा एक व्यक्ति है, तो उसकी भी तलाश जारी है, लेकिन ये यहाँ पे जो आए हैं उसमें चंदन यादव नाम का व्यक्ति है जो इनका मास्टरमाइंड है। इनका अब कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये लोग गोरखपुर के लोगों को झांसे में नहीं लाते हैं, आसपास के जनपद के लोगों को ये लोग निशाना बनाते हैं। सपा के वरिष्ठ सपा नेता जफर अमीन डक्कू ने बख्शीपुर स्थित अपने नसीराबाद कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता मोहम्मद आजम खान ने मुसलमानों की हमदर्दी और उनके जज्बातों का सौदा केवल 10 मिनट के सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में मुलाकात में कर लिया।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुसलमान नाराज हैं कि नहीं, मुसलमानों के मुद्दे से हटकर उन्होंने एमएलसी के लिए ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। क्या आजम खान को रामपुर में कोई वफादार कार्यकर्ता नहीं मिला? उन्होंने गैर जरूरी दबाव बनाकर अपने पॉकेट का गैर सियासी और गैर दल का एमएलसी बनाए जाने का नाम दे दिया। वह भूल गए कि उनके जेल जाने, उनकी बीमारी के बाद से लाखों बुजुर्ग मर्दों औरतों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से आंसू बहाकर उनकी सेहत, उनके जेल से रिहाई की दुआ मांगी थी। मुसलमानों की उन कीमती आंसुओं का भी आजम खान ने सौदा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं और रहूंगा। मैंने जो हक और सच है वह आम मुसलमानों के सामने ला दिया है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम बड़ा चेहरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले, जिसको अखिलेश यादव एमएलसी बनाना चाह रहे थे, जिसकी भनक सीतापुर जेल में आजम खान को मिल गई, उन दोनों जिम्मेदार मुस्लिम बड़े चेहरे को भी विधान परिषद में जाने से रोक दिया। उन्होंने जो आम मुसलमानों के बीच जिला अथवा मंडल स्तर पर राजनीति करते हैं, उन सब का भविष्य कुचल दिया। उन्होंने कहा, एक समय था कि वह मुसलमानों के हितैषी थे, लेकिन अब उनके सौदागर हो गए हैं। मुसलमान सोचता था कि आजम साहब जेल में से रिहा होंगे तो उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, अखिलेश यादव से उनके हक की लड़ाई लड़ने की बात करेंगे, लेकिन मुसलमानों के सारे सपने टूट गए, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन जक्कू ने कहा, आजम साहब से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बड़ी उम्मीद थी कि जेल से छूटेंगे तो मुसलमानों के मसाइल पे अखिलेश यादव साहब से बात करेंगे और मुसलमान के मसाइलों को हल कराने के लिए उनसे कोई रास्ता निकालेंगे। संघर्ष का रास्ता होगा, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके बेकसूर लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमान कोई फकीर गली में भीख मांगने जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है, उसे जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है, आए दिन तमाम मस्जिदों को विवादित बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहुत ख़राब माहौल है, ऐसे में भाईचारे का रास्ता बनाने के लिए, ऐसे में मुसलमानों के दर्द को समझकर अखिलेश यादव से संघर्ष कराने की कोई बात करेंगे, लेकिन सर गंगाराम हॉस्पिटल में मिलके उन्होंने अपने पॉकेट के दो एमएलसी का नाम दे दिया जिनको कोई नहीं जानता। और अगर एमएलसी का नाम देना चाहिए था तो रामपुर के किसी का देना चाहिए था, जिन्होंने अपने खून से राष्ट्रपति को खत लिखा है, अपना हाथ काट काट के खून से कलम डुबो डुबो कर के खत लिखा है, उस खून का सौदा हुआ है, किया है आजम साहब ने, उनकी तकलीफ़ों का सौदा किया, उनकी कुर्बानियों का सौदा किया है। आज भी दर्जनों लोग जिला बदर हैं रामपुर से, उनके करीबी लोग जिला बदर हैं, उनमें से किसी को बनाना चाहिए था लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बनाया। और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के बजाय, बात करने के बजाय अखिलेश यादव साहब से अपने लोगों को सिर्फ एमएलसी बना दिया पॉकेट का, जिनका समाजवादी पार्टी से दूर दूर का वास्ता भी नहीं रहा। तो हमारा एतराज़ ये है कि उन्होंने मुसलमानों के जज्बात का सौदा किया सिर्फ दो लोगों को एमएलसी बनाने के लिए, मुसलमानों के मसाइल पे कोई बात नहीं किया कि मसले कैसे हल होंगे, समाजवादी पार्टी क्या करेगी भविष्य में, मुसलमान और हिंदुओं का कमज़ोर तबका जो घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा है, बारात नहीं ले जा पा रहा है, सीआरपीएफ का जवान, इनके बारे में समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। आजम खान साहब जेल से बाहर आ गए हैं, अब हमारे मसाइल पर बहस होगी। आजम साहब जेल में थे, आजम साहब जिससे मिलना चाहते थे वो हफ्ते में एक दो लोगों से मुलाकात हो पाती थी, बड़ी लंबी लाइन लगी थी, उस लाइन में मैं भी था, लेकिन जब पहला लॉकडाउन लगा था अचानक, उस वक्त लखनऊ से हम भाग के चले आए थे, दूसरे दिन हमको मिलना था, जेल में बंद कर दिए गए थे सब, लेकिन आजम साहब जेल में से छूटे हैं तो मैं उनसे मिलने गया, हमारी मुलाकात भी हुई, हमारी बात भी हुई और मैं बहुत खुश हुआ कि मुसलमानों के मसाइल पे रब। अखिलेश यादव साहब से मिलेंगे तो बात करेंगे, अभी तो चुनाव के बाद हम मिले ही नहीं उनसे, अभी तो बड़ी उम्मीदें थी मुसलमानों को, उम्मीदों को बड़ा धक्का लगा,
उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत नाराज है आजम साहब। हमारा क्या नहीं, हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, हम लोग दल बदलने वाले लोग नहीं हैं। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के दिए निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर हो सख्ती। गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पार्टी के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को लोकार्पण होने वाले नवनिर्मित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया निरीक्षण। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करेंगे प्रतिभाग। नवागढ़ जिलाधिकारी कृष्णा कुरुणेश ने कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक करवाया जाएगा लागू। जनता की समस्याओं का शत प्रतिशत एवं गुणवत्ता परक करवाया जाएगा निस्तारण। कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले कबूतरबाज गैंग के चार अभियुक्तों को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कार, दो लैपटॉप एडाप्टर के साथ 88 भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट, चार मोबाइल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आजम खान के करीबी रहे सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आजम खान मुसलमानों के हमदर्द नहीं, उनके आंसुओं के हैं सौदागर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाकर बनवाएं अपने लोगों को एमएलसी, उनका सपा से नहीं है कोई वास्ता। अंतर प्रदेशीय जहर खुरान व एटीएम का धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 60 ग्राम स्मैक व विभिन्न बैंकों के 30 एटीएम किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। महिला कल्याण विभाग मंडल द्वारा जागरूक मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, महिलाओं व बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों में कमी लाने के प्रति किया गया जागरूक। गुरुवार को विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी में लोगों की लगी रही भीड़। झोलबाजी को रोकने के लिए चारों तरफ लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। सीएमओ ने कहा, किसी चिकित्सक और कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि विकलांगता के प्रतिशत को घटाए या बढ़ा सके, ना पड़े किसी भी दलाल के चक्कर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते 5 जून के जन्मदिवस के अवसर पर जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन एवं गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नौकायन स्थित जेटी पर दीप कोलाज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 7,000 दीपों से मुख्यमंत्री के मुस्कुराते हुए चित्र को बनाकर दी गई जन्मदिन की बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास बोध फिल्म क्लब के तहत विभिन्न विषय पर कई फिल्में दिखाकर छात्रों को किया गया जागरूक। कहा, फिल्म के माध्यम से छात्र अपने इतिहास को कर सकते हैं समृद्ध। और गुरु गोरखनाथ घाट पर धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा महोत्सव। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, माँ गंगा के प्रकट्य दिवस के दिन को मनाया जाता है गंगा दशहरा महोत्सव। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को नहर पुलिया के पास मोहद्दीपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगन खेड़ी थाना हसी जनपद हिसार हरियाणा, दूसरा राजेश कुमार पुत्र कर्मवीर निवासी हसी राम सिंह कॉलोनी भिवानी रोड थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा के रूप में हुई है, जिसके पास से 60 ग्राम स्मैक व 30 अदद एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंकों के खाता धारकों का बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, हम लोगों द्वारा दिल्ली उत्तर प्रदेश के राज्यों व सीमावर्ती प्रदेशों में चार पहिया वाहनों से भ्रमण कर लोगों का एटीएम कार्ड बदलकर उनके पैसों को निकालने का काम करते हैं। हम लोग द्वारा एटीएम रूम में पहले से पहुंचकर ऐसे व्यक्ति इंतजार किया जाता है जो एटीएम चलाना अच्छी तरह से ना जानता हो। उसके एटीएम को लेकर हम लोग स्वयं उसका पैसा कोड पूछकर उसको निकाल कर दे देते हैं तथा अपने पास लिए एटीएम को उसके एटीएम से बारीकी से बदलकर उसको बदला हुआ एटीएम दे देते हैं और उसके बाकी पैसों को निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों व जिलों में घूम घूम कर स्मैक की बिक्री भी करते हैं। इनके पास से कुल 60 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक व 30 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के अलग अलग खाता धारकों के साथ गिरफ्तार कर थाना कैंच पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगन खेड़ी थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने साथी राजेश के साथ मिलकर नशीला पदार्थ लोगों को खिलाकर एटीएम कार्ड का पासवर्ड जानकर व उनका एटीएम कार्ड धोखे से बदलकर उनको एटीएम कार्ड से पैसे निकालकर अपना अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह, अरुण कुमार सिंह, अवनीश कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, कांस्टेबल सौरभ गिरी, राहुल शाह शामिल रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में आज सुबह थाना कैंट की पुलिस को सूचना मिली कि तीन लोग एटीएम बदलने का गिरोह चलाते हैं एवं स्मैक बेचने का काम करते हैं। जब ये लोग एटीएम बदल रहे थे तब एक व्यक्ति जिसके साथ एटीएम बदलने की घटना हुई, उस व्यक्ति ने हल्ला मचाया तो आसपास के लोगों ने उसको पकड़ा। इतने में फिर पुलिस भी मोहद्दीपुर चौकी के सामने ही ये घटना थी, पुलिस ने तुरंत पकड़कर दो लोगों को हिरासत में लिया। एक का नाम संदीप है और दूसरे का नाम राजेश है। दोनों थाना हांसी जनपद हिसार के रहने वाले हैं। यह एक अंतर राज्यीय गैंग है, इंटरस्टेट गैंग है। ये लोग हरियाणा से निकलते हैं, फिर पूरे
प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में प्रतिदिन घटना करके हर दिन जिला बदलते रहते हैं एवं इस तरीके से बंगाल तक एक घटनाएँ करते हैं एवं इसके साथ साथ स्मैक भी बेचने का काम करते हैं। इससे बड़ा नेटवर्क अनर्थ होने की आशंका है, इसलिए स्मैक के बारे में पूछताछ जारी है। इन लोगों के पास से 30 ATM बरामद किए गए हैं, उसमें 10 पंजाब नेशनल बैंक के हैं, HDFC बैंक के भी हैं, एक्सिस बैंक के भी हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड भी बरामद हुए हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने प्रकाश में नहीं आया है। हरियाणा पुलिस से भी पूछताछ कर एवं अन्य प्रदेशों की पुलिस से भी पूछताछ कर पता लगाया जाएगा कि इन्होंने कहीं और घटना की है। कि मैं आए थे I-10 गाड़ी जो चला रहा था वह व्यक्ति भाग गया, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग लखनऊ से गोरखपुर की तरफ से आए थे एवं पहली घटना कारित कर रहे थे उसी समय पकड़े गए हैं। गुरुवार को विजय चौक स्थित एक निजी होटल में महिला कल्याण विभाग मंडल द्वारा जागरूक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित है। इसके तहत महिलाओं ने बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध में कमी लाना, अपराध होने पर सूचित करना, गंभीरता एवं समयबद्ध से कार्रवाई की जवाबदेही तय करना है। इस अवसर पर जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला प्रमोशन अधिकारी देवरिया अनिल कुमार सोनकर, जिला प्रमोशन अधिकारी महाराजगंज ध्रुव चंद्र त्रिपाठी, जिला प्रमोशन अधिकारी कुशीनगर विनय कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह, मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, विशेष आवेदन जितने भी हैं उसमें कार्रवाइयां चल रही हैं। आप सभी का पुनः आप बहुत कुछ करता है या सरकार बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन वो शायद मीडिया में या हमारे जो विभिन्न आयाम है वहाँ पे कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो ये एक रास्ता रहेगा हम लोग को, एक तो मार्गदर्शन आपसे भी मिलेगा कि हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं और साथ साथ में क्या हमने किया है वो शायद आप तक पहुँचे और उससे समाज के उन वर्ग तक ये जानकारी जाए जो लोग शायद अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो सब उसे हम शुरू करते हैं। आप मिशन शक्ति शायद अब कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसको सारी इसकी जानकारी ना हो कि मिशन शक्ति क्या है, और मैं इस मिशन शक्ति के सापेक्ष में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जब इसकी शुरुआत की थी 2020 में, तो हम एक कैंपेन के तौर पर ये चीज़ें लगी थी कि बहुत सारे कैंप होते हैं और ये भी एक कैंप है। आप इसमें जो लोगो देख रहे हैं वो लोगो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको चिन्हित किया गया और तय किया गया कि यही लोगों क्यों होगा, और उसके नीचे जो तीन शब्द है सुरक्षा है, सम्मान है, स्वावलंबन है, उसके शब्द क्यों और कैसे होंगे, तो ये दर्शाता है कि जो हमारे उच्चाधिकारी हैं या हमारे जो मार्गदर्शक हैं, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो हमारे विभाग में हो और चाहे वो वर्तमान में हमारा मंडल में हो, सारे अधिकारी एक लड़ी में काम कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर किसी महिला को हमको अगर आगे करना है तो अगर उसकी सुरक्षा के कोई मुद्दे हैं तो उसका समाधान करना होगा, और समाधान जरूर नहीं कि वो पुरुष ही करेगा, ये कड़ी हटाने की बात है, ये मिथ है, इसको हटाना है कि एक महिला की सुरक्षा पुरुष करता है, ये तोड़ना है। और ये जो जितनी भी कार्यशालाएँ हो रही हैं या जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे बीच दो ही महिलाएँ मुझे दिख रही हैं, बाकी हम सभी पुरुष हैं, ठीक है, लेकिन ये कड़ी हमें तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये तभी होगा क्योंकि वो एक बराबर है, वो कोई अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कोई अवसर देना है, क्योंकि वो उनका हक है, हम कोई नहीं होते उनको अवसर देने वाले। डेटा चेक करेंगे तो उसमें 87% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चा भरोसा करता है, और कौन है वो? उसका पिता है, उसका भाई है, उसका मामा है, उसका चाचा है, उसका फूफा है। पूर्व मंडल में मिशन शक्ति 4 के तहत मीडिया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सभी मीडिया बंधु और हमारे जनपद के, हमारे मंडल के सभी जनपदों के जिला प्रशासन अधिकारी और हमारे बाल संरक्षण के राज सलाहकार श्री प्रीतेश तिवारी जी और हमारे मंडल के यूनिसेफ के हमारे कंसल्टेंट नीरज मिश्रा, ये सभी लोग सम्मिलित हुए।
इस कार्यशाला में का उद्देश्य ये था कि विभाग की योजनाओं और उनकी प्रगति से उनके कार्यों से मीडिया बंधुओं को अवगत कराया जाए। हमारे विभाग से जो हमारे कार्य किए जा रहे हैं उसकी प्रचार प्रसार उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं और बालिकाओं और बच्चों के जो उनके सुरक्षा संरक्षण और स्वावलंबन के संबंध में जो भी मिशन शक्ति के तहत कार्य किए जा रहे हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और मीडिया से जो भी उनके संबंध में जो उनकी क्वेरीज हों, जो उनके सुझाव हों, वो हमें प्राप्त हो सके। इसका यही उद्देश्य था आज का। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आज का सब लोग इकट्ठा हुए और ये कार्यशाला आयोजित की गई। हेल्पलाइन तो हमारे यही है, महिलाओं के लिए 181 है, बच्चों के लिए 1098 है और महिलाओं के लिए 1090 है, बाकी 112 जो हमारी पुलिस की है हेल्पलाइन वो तो है ही है। तो इसके तहत जब भी जिसे महिलाओं को 1090 पर कॉल करेंगे तो उनको तत्काल रिस्पांस किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस तरह बच्चों 181 हमारी जो हेल्पलाइन 1-8 सेंटर में चलती है तो उसमें जो कॉल की जाती है वहाँ पर एक उसका अलग से सेल बना हुआ है तो उसको जो ट्रैक किया जाता है उन शिकायतों को उन पर कार्रवाई की जाती है। अब इसके संबंध में जो है हमारे विभाग से जो है जो अभी जो एक बार पहले कराया जा चुका है सभी वॉल पेंटिंग कराई जा चुकी है, इससे संबंध दोबारा जो है जो वॉल पेंटिंग कार्रवाई कराने के लिए जो कहा जाएगा और हमारे जो डायरेक्टरेट से इस संबंध में जो है कोई न कोई निर्देश जारी होगा तो तभी सभी द्वारा जो है वॉल पेंटिंग कार्रवाई हो सकती हो जाए। जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी में गुरुवार को विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही जिसमें लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विकलांग शिविर का आयोजन हर गुरुवार को होता है। हर रोज लगभग 50 आवेदन पत्र आते हैं और करीब 100 से 150 प्रतिभागी आते हैं और भीड़ को देखते हुए वहां पर भ्रमण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के समय देखा जाता है कि लोग अपनी विकलांगता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ज्यादातर आते हैं। झोलबाजी को रोकने के लिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा निगरानी रखी जाती है और चिकित्सक और बाबू को निर्देशित किया गया है कि वहां पर किसी भी प्रकार की असुविधा किसी को ना होने पाए। उन्होंने कहा कि विकलांगता का जो प्रतिशत होता है वह गणित की तरह होता है, मरीज को देखने के बाद ही प्रतिशत निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि किसी चिकित्सक और कर्मचारी की हैसियत नहीं होती है कि वह किसी व्यक्ति की विकलांगता के प्रतिशत को घटा या बढ़ा नहीं सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, अगर किसी को विकलांगता का प्रतिशत कम रह गया है तो वह फ्री एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर देवेंद्र एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा हो जाएगा हो जाएगा। डॉक्टर देवेंद्र कुमार यहाँ पे तो नॉर्मल ओपीडी वाले पेशेंट के साथ साथ जो है जो विकलांग बोर्ड वाले पेशेंट होते हैं जिसको विकलांगता होती है तो सुनाई देने से या बोलने में वो भी पेशेंट आ जाते हैं। कितने मरीज़ लगभग ओपीडी बेसिस पे तो 130 से 40 पेशेंट आ रहे हैं और विकलांग बोर्ड को अगर जोड़ लीजिए तो लगभग 20 पेशेंट के आसपास 20 से 25 पेशेंट विकलांग बोर्ड के आते हैं। क्या करना होता है सर विकलांग में? कुछ नहीं करना होता, उनको सुनाई देने में तकलीफ होती है तो इसका एक जांच करवाया जाता है, उस जांच के आधार पे उनका जो है सर्टिफिकेट इशू करवा दिया जाता है। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, विकलांग सर्टिफिकेट के लिए पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जनसेवा केंद्र पर
उसके बाद से आना होता है, यहाँ एक फॉर्म भरना होता है, फिर फॉर्म भरने के बाद सुनाई की जांच एडवाइज की जाती है, उसके बाद फिर जमा करना होता है, वही बन जाती है। देखिए विकलांग शिविर जो हमारे यहाँ प्रतिदिन बृहस्पतिवार को प्रातः 9 बजे से सायंकाल तक होता है, और लगभग हमारे यहाँ नवीन आवेदन पत्र लगभग 50 के आसपास आते हैं, और UDID कार्ड के नवीन बनवाने के लिए लगभग 50 लोग आवेदन करते हैं, ये लगभग 100 प्रतिभागी प्रतिदिन आते हैं, और अगर ये मान लिया जाए कि एक विकलांग के साथ अगर एक आदमी होगा तो 200-250 से ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन हमने जब भी मैं भ्रमण करता हूँ, अभी भ्रमण करके जो देखा वहाँ पर भीड़ जो है 300 के ऊपर की भीड़ है, उसका कारण सिर्फ जो वहाँ पर जज्ञात करता हूँ कि लोग जो है पता नहीं किस लालसा से, किस प्रलोभन में, किस कारण से अपनी विकलांगता प्रतिशत को बढ़वाने के लिए ज़्यादातर वहाँ पर, जब आप देखेंगे, आप स्वयं जाकर देखेंगे वहाँ पर 50% से ज़्यादा के लोग अपनी विकलांगता का प्रतिशत बढ़वाने के लिए टहलते रहते हैं। इसका उनको क्या एडवांटेज होता है मैं इसके बारे में तो बहुत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसका 40% है वो 60%, जिसका 60% है वो 80%, और 80% वाला 100% करवाने के लिए टहलता रहता है, और इसी के कारण वो तरह तरह के लोगों के जाल में फंस जाता है और तरह तरह से उसका शोषण होता है। इसके लिए हम व्यक्तिगत वहाँ पर निगरानी रखते हैं, उसमें चारों तरफ CCTV कैमरे की व्यवस्था की है, जो हमारे होम गार्ड्स लगे हैं उनको दिया गया है, चिकित्सकों को भी निर्देशित किया गया है, और जो वहाँ पर बाबू हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सभी लोग समय से आएं, समय से जाएं, और कोई भी जो इस तरह का व्यक्ति है जो नवीन कार्ड अप्लाई कर रहा है, UDID कार्ड के लिए कर रहा है या विकलांगता के लिए कर रहा है, वो किसी प्रकार से कोई परेशान ना हो, उसकी पूरी भरपूर समुचित व्यवस्था रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा, विकलांगता का जो प्रतिशत होता है वो गणित की तरह होता है, किताब में लिखा होता है किस अंग में कितना अपंग होने पर कितना उसका प्रतिशत होगा, कमज़ोर होने पर कितनी कमज़ोरी होने पर कितना होगा, उस पर ही प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। मैं बड़े कठोर शब्दों में कह रहा हूँ, किसी चिकित्सक या किसी कर्मचारी की हैसियत नहीं होती है कि वो किसी व्यक्ति की विकलांगता के प्रतिशत को घटाया बढ़ा सके, अनावश्यक किसी भी प्रकार के किसी भी दलाल के चक्कर में किसी को पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के मन में किसी प्रकार का संशय या दुविधा है कि उसका विकलांगता का प्रतिशत कम रह गया है तो वो पुनः री एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। जागरूक गोरखपुर जागो फाउंडेशन एवं गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रामगढ़ताल स्थित नौकायन जेटी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते 5 जून के जन्मदिन के अवसर पर उनके यशस्वी जीवन की कामना को लेकर दीप कोलाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 22 कलाकारों ने 7,000 दीयों द्वारा रंगीन दीपकों के कोलाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर उकेरने का काम किया। मुख्यमंत्री के 50वें जन्मदिन पर 50 वर्ग मीटर के दायरे में केसरिया बैकग्राउंड में उकेरा गया मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चित्र बेहद आकर्षक लग रहा था, जो कि नौकायन जेटी पर घूमने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। आपको बता दें कि 5 जून को महामहिम राष्ट्रपति के दौरे के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन को टाला गया था। मुख्यमंत्री के मुस्कुराते हुए चेहरे को दीप कोलाज के माध्यम से चित्रित करने का ये उत्तर प्रदेश का पहला कार्यक्रम है, जो कि नागरिक समाज की ओर से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का अनूठा प्रयास किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, डॉक्टर एस के लाठ, रोली लाठ, गिरजाशंकर जायसवाल, विवेक अग्रवाल, डॉक्टर मनोज जायसवाल, जसपाल सिंह, विनय गौतम, दुर्गेश बजाज, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, डॉक्टर ऋषभ गोयल, परमानंद पांडे, अनुप किशोर अग्रवाल, रमेश चंद्र गुप्ता, राजीव शुक्ला, महावीर गुप्ता, आलोक चौरसिया, शिवम गुप्ता, शिवम कुमार, शिवम शर्मा, शिलीना द्विवेदी, शालिनी पासवान, साक्षी दुबे, सुष्मिता गुप्ता, प्राची पाठक, गौरी अभिषेक, रोशन प्रकाश राव, निकिता यादव, मौसम सिंह, हर्षिता, निशु यादव, बबीता, काजल सहानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, जागरूक गोरखपुर जागो फाउंडेशन के कार्यक्रम संचालक अमित सिंह पटेल ने कहा,
अमित सिंह पटेल। देखिए जागरूक गोरखपुर लगातार गोरखपुर की एक पहचान दिलाने के लिए नए नए काम करते रहते हैं। उसी के तहत चूंकि 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, लेकिन उसी दिन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति आए हुए थे गोरखपुर में, उस डेट को बढ़ा करके 9 तारीख को यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे जो है लगभग 7000 दिए से, रंगीन दिए से और 50 वर्ग मीटर, चूँकि 50वां उनका जन्मदिन है, 50 वर्ग मीटर के दायरे में रंगीन जो है दिया कोलाज बनाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दिए से योगी जी का चेहरा बनाया गया है। आज 9 तारीख है लेकिन योगी जी का जन्मदिन 5 जून को पड़ता है और उस दिन ये आयोजन होना था दिया कॉलेज के संस्था द्वारा। इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और ये संस्था के सभी आयोजकों को मेरी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार दिए द्वारा योगी जी का चित्र बनाया गया है और 50 मीटर के रेडिएशन में यह पूरा दिया का जो बनाया गया है योगी जी का चित्र, यह अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है और देखने के बाद ऊपर से ये लगेगा कि हाँ मतलब इन बच्चों ने कितना मेहनत किया है और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा आयोजन हुआ है। इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और आयोजकों को भी बहुत बधाई, इन्होंने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है और आगे भी मेरी ये शुभकामना है कि आगे भी इसी तरह से आयोजन करते रहेंगे। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं उन पर भी ये मतलब इस तरह का दिए द्वारा उगेरा जाए और राष्ट्रीय जो है कार्यक्रम जो 15 अगस्त है और भी आगे आने वाले हैं उन पर भी इस तरह कार्यक्रम हो, तो मैं पूरी शुभकामना देता हूं और पूरे आम जनता से आग्रह करता हूं कि यह आयोजन जो हुआ है यह आकर के 2-3 दिन तक चलेगा, इसको अवश्य आके देखें कि बच्चों ने कितना मेहनत किया है, योगी जी का चित्र दिए द्वारा बनाया है। मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ और आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस तरह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्ता अंकुर के द्वारा इतिहास बोध फिल्म क्लब के तहत 1950 में निर्मित जापानी फिल्म रसोमन का प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में इतिहास विभाग के प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्ता अंकुर ने बताया कि इस फिल्म में ईसाई समाज द्वारा ये फिल्म दुनिया भर में सुपरिचित है और इस फिल्म को इतिहास विभाग के छात्रों को फिल्म को दिखाकर समाज में विकसित करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि छात्र जैसे किताबों पर शोध व पढ़ते हैं करते हैं, उसी तरह विभिन्न विषय पर सिनेमा बनता है। इस फिल्म के माध्यम से वो अपने इतिहास को समृद्ध कर सकते हैं और आगे भी फिल्म से रिलेटिव कई फिल्में दिखाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर इतिहास विभाग के शोधार्थी अस्मिता शर्मा, विकास यादव, अनिल कुमार, संजय कुमार, शकील अहमद, प्रतिभा गुप्ता, गोपाल मध्यशिया, श्रेया श्रीवास्तव सहित प्रास्नातक छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इतिहास विभाग के प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्ता अंकुर ने कहा, एक फिल्म शो है जो इतिहास विभाग में एक हम लोगों ने फिल्म क्लब का गठन किया है, इतिहास बोध फिल्म क्लब। जैसा कि नाम से जाहिर है कि सेंस ऑफ हिस्ट्री को विकसित करने के लिए इस फिल्म को क्लब को बनाया गया और उसके तहत हम लोग पहली फिल्म जो देखने जा रहे हैं वो है रसोमन, जो जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा, जो बहुत ही एमिनेंट फिल्मकार रहे हैं, उनकी फिल्म है और ये फिल्म उन्होंने 1950 में बनाई थी। और इस फिल्म में एक खास मतलब एशियाई देश है जापान, तो एशियाई समाज
का एक तो आपको जिस तरह की कुरीतियाँ, जिस तरह के अंधविश्वास, ऐसा नहीं कि भारत में ही अंधविश्वास, अंधविश्वास एशियाई समाज, मुझे लगता है कि यूरोपीय समाज में भी एक दौर तक अंधविश्वास बहुत कॉमन थे, और एक विशेष ढंग से कहानी को कहने की के मतलब कहने के तरीके को लेके ये फिल्म दुनिया भर में बहुत सुपरचित है। और इसी फिल्म को दिखा के हम लोग ये चाहते हैं कि इतिहास विभाग के समर वेकेशन या गर्मी छुट्टियां जो हम लोग के चल रही हैं, उस दौरान हम लोग कुछ ऐसी फिल्में देखें जो सेंस ऑफ हिस्ट्री को विकसित करें, और इस तरह से सिनेमा का इस्तेमाल भी इतिहास लेखन के लिए, पुराने जो दौर का सिनेमा उसका इस्तेमाल आप इतिहास लेखन में स्रोत के तौर पे कर सकते हैं, और इसी चीज़ के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित और उनमें सिनेमा की समझ विकसित करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है, इस कड़ी को हम आगे भी जारी रखने की कोशिश करेंगे। यही कि वो अपने शोध कार्यों के दौरान कैसे, जैसे किताबें वो पढ़ते हैं विभिन्न अपने विषय से जुड़ी हुई, उसी तरह विभिन्न विषयों पर सिनेमा भी बनता रहा है, हिंदुस्तान में बनता रहा है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनता रहा है। तो उन फिल्मों का के से भी वो अपने इतिहास को समृद्ध कर सकते हैं एक स्रोत के तौर पर, उन फिल्मों का इस्तेमाल करके इस लिए फिल्म शो किया जा रहा है, और ऐसी कई फिल्में हमने चयनित करेंगे हम धीरे धीरे और उनको दिखाते रहेंगे। गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वावधान में गुरुवार को गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य गंगा दशहरा महोत्सव गुरु गोरक्षनाथ घाट पर धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल एवं वरिष्ठ अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे मौजूद रहे, जिसमें लोगों ने मां गंगा मैया को आरती से विद्युत पूजन पाठ करके मनाया, जिसके संबंध में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि गंगा दशहरे के दिन मां गंगा प्रकट हुई थी, मां गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना हुई, भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा मैया को समाहित किया था। इस अवसर पर उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, अनुराग मझवार, अभिषेक अग्रवाल, आशीष गुप्ता, विक्की जायसवाल, संजय गुप्ता, पद्मा गुप्ता, सीमा माहेश्वरी, राजू शुक्ला, गौतम कुशवाहा सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव एवं पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, उनके माता पिता से आग्रह है आप लोग आरती की तैयारी करें, आप लोग गंगा दशहरा का त्यौहार है, आज ही के दिन गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, इसीलिए आज हम लोग गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं। आज यहाँ गुरु गोरक्षनाथ घाट पे गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वाधान में यहाँ गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए बहुत भारी संख्या में महिलाएँ, पुरुष, बच्चे इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर भव्य गंगा आरती हो रही है, भजन संध्या का कार्यक्रम है, सुंदर सुंदर झांकी, भगवान जी की झांकी पे गाने का प्रोग्राम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, और यहाँ पे भारी जन समूह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ महापौर जी, माननीय महापौर जी उपस्थित हो रहे हैं, माननीय विधायक जी उपस्थित हो रहे हैं, हमारे उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा जी, बाकी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। अभी आप यहाँ नज़ारा देखिएगा, आरती शुरू होने जा रही है बस थोड़ी देर में,
बस यहाँ आपके द्वारा हर मंगलवार को भी यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को हर मंगलवार को यहाँ आरती होती है। हम लोग दो त्यौहार प्रत्येक मंगलवार को आरती करते हैं और दो त्यौहार गंगा दशहरा का त्यौहार और दीपोत्सव दीपावली में दीपोत्सव का कार्यक्रम इस घाट पर बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। गंगा दशहरा का महत्व यही है कि आज ही के दिन गंगा जी प्रकट हुई थी और तभी से गंगा जी का हम लोग त्यौहार गंगा दशहरा मनाते हैं और आज ही के दिन से गंगा जी जो है वो थोड़ा सा अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया अपना, इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। संजय श्रीवास्तव, पार्षद, हांसुपुर। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पे राप्ती माँ राप्ती के घाट पे आयोजित आरती में सम्मिलित होकर आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। आज ही के दिन माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था। माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए जो माँ उस समय और इतना तप के बाद भागीरथी ने माँ गंगा को जब धरती पे लाने तैयार हुई कि मैं आऊँगी और भगवान ब्रह्मा जी के जब अंगुष्ठा से निकलने लगी तो अगर संपूर्ण रूप से माँ गंगा धरती पे आती तो संभवतः हमारी ये पृथ्वी खंड खंड हो जाती। लेकिन माँ के इस अवतरण के लिए फिर शिव जी की आराधना हुई। शिव जी ने अपने जटा में माँ को पहले अपनी जटा में समाहित किया और एक धार के द्वारा इस धरती पर उन्होंने जब छोड़ा और भागीरथी के संपूर्ण जो पूर्वज थे उनका उद्धार करते हुए माँ आज हमारे बीच में हैं। हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सौ साल भागीरथी ने इतनी तप किया तब माँ गंगा अवतरित हुई और आज हम कर क्या रहे हैं। आज हम जल का संचय नहीं कर रहे हैं, माँ गंगा में गंदगी फेंक रहे हैं, पॉलीथीन का खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, वृक्ष का कटान कर रहे हैं। आप देखिए कि इस किनारे वृक्ष भी नहीं है, एकदम उजाड़ लग रहा है। हमें आज के दिन ये शपथ लेना चाहिए कि हमें माँ गंगा को वास्तव में इस धरती पर उन्हें रखना है, क्योंकि वो हमारी जीवन दायिनी गंगा है और जीवन पाने के लिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है, पॉलीथीन मुक्त ये राष्ट्र बनाना है और हमें वृक्षारोपण करके उन वृक्षों को बचाना है। आज के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने पुनीत कार्य को आप आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के दिए निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर हो सख्ती। गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पार्टी के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोकार्पण होने वाले नवनिर्मित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया निरीक्षण। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करेंगे प्रतिभाग। नवागत जिलाधिकारी कृष्णा कुरुणेश ने कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक करवाया जाएगा लागू, जनता की समस्याओं का शत प्रतिशत एवं गुणवत्ता परक करवाया जाएगा निस्तारण। कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले कबूतरबाज गैंग के चार अभियुक्तों को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कार, दो लैपटॉप एडाप्टर के साथ 88 भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट, चार मोबाइल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपीसीटी ने किया खुलासा। आजम खान के करीबी रहे सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आजम खान मुसलमानों के हमदर्द नहीं, उनके आंसुओं के हैं सौदागर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाकर बनवाएं अपने लोगों को एमएलसी, उनका सपा से नहीं है कोई वास्ता।
अंतर प्रदेशीय जहर खुरान व एटीएम का धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 60 ग्राम स्मैक व विभिन्न बैंकों के 30 एटीएम किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। महिला कल्याण विभाग मंडल द्वारा जागरूक मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, महिलाओं व बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों में कमी लाने के प्रति किया गया जागरूक। गुरुवार को विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी में लोगों की लगी रही भीड़। झोलबाजी को रोकने के लिए चारों तरफ लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। सीएमओ ने कहा, किसी चिकित्सक और कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि विकलांगता के प्रतिशत को घटाया बढ़ा सके, ना पड़े किसी भी दलाल के चक्कर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते 5 जून के जन्मदिवस के अवसर पर जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन एवं गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नौकायन स्थित जेटी पर दीप कोलाज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 7,000 दीपों से मुख्यमंत्री के मुस्कुराते हुए चित्र को बनाकर दी गई जन्मदिन की बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास बोध फिल्म क्लब के तहत विभिन्न विषय पर कई फिल्में दिखाकर छात्रों को किया गया जागरूक। कहा, फिल्म के माध्यम से छात्र अपने इतिहास को कर सकते हैं समृद्ध। और गुरु गोरक्षनाथ घाट पर धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा महोत्सव। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, माँ गंगा के प्रकट्य दिवस के दिन को मनाया जाता है गंगा दशहरा महोत्सव। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।